Thank you.
इससे काफ़ी दुखद घटना है, काफ़ी लोग काफ़ी शौक है सर, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए ये भाभी जी घर पर है, सीरियल के लिए बहुत गहरा आघात है हम लोगों के लिए। हमारी टीम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य, एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्टर जो कि हमारी टीम का एक अभिन्न अंग था, वो आज सुबह सुबह इस दुनिया से रुखसत हो गया। और जवान आदमी 41 इयर्स का, आप कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी फिटनेस देखकर, हम कुछ नहीं है उसके सामने जितना फिट होता। लगातार जिम करना, उसके बाद क्रिकेट खेलना, अरे ना कोई ऐप है, ना शराब, ना सिगरेट, कुछ भी नहीं, एकदम सात्विक भोजन करने वाला इंसान अचानक सुबह सुबह 7 बजे क्रिकेट खेलते हुए कोलैप्स कर जाता है। ये मतलब बहुत सोचने वाली बात है, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे बीच में, क्योंकि रात 9 बजे तक हम लोग शूट कर रहे हैं और आज हमारा 9 बजे का ही कॉल टाइम था। सुबह सुबह जो है जो दुखद खबर हमें मिली थी, एकदम टूट गया, एकदम टूट गया। उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था अभी कुछ समय पहले, कुछ घंटों पहले, क्या अभी कब लास्ट बातचीत हुई, कुछ कहना चाहोगे? लास्ट बातचीत कल रात को तो हुई, कल तो सारा दिन हम साथ थे। हमने एक वीडियो भी अपलोड किया है इंस्टाग्राम पे कल, हम 3-4 एक्टर्स ने मिलकर एक वीडियो और है वो अपलोड आज करना था हमको, वो भी बना हुआ रखा है, वो भी उसी का आइडिया था। हम खूब हंस रहे थे, बोल रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे हम लोग, तो हमें पता ही नहीं था कि ये आदमी कल हमारे साथ रहेगा ही नहीं। और वो भी इतना स्वस्थ आदमी, ये सोचकर ज़्यादा ताज्जुब होता है कि आजकल ये हो क्या रहा है। कोई आदमी जिम करते हुए चला जा रहा है, कोई साइकिलिंग करते हुए चला जा रहा है, कुछ खेल के मैदान में चला जा रहा है, कोई ऐप भी नहीं, कुछ नहीं, तो ये क्यों हो रहा है? सर ये काफ़ी बहुत बड़ा लॉस है भाभी जी घर के लिए, नहीं काफ़ी हमारी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बहुत बड़ा नुकसान है, किस तरह से देखिए सर? देखिए मेरे को ना बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि हालांकि स्थितियाँ पहले भी थी, लेकिन कोविड के बाद से जो स्थितियाँ पैदा हुई हैं उसने बहुत सारे लोगों का, सिर्फ हमारा नहीं, बहुत सारे लोगों का स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ाया है। क्या है कि पैसे भी कम हुए लोगों के, अचानक से 10-15% कम, उसके बाद EMIs का बोझ होता है लोगों के सर के ऊपर बहुत ज़्यादा। मुंबई वैसे ही एक स्ट्रेसफुल नगरी है और हमारी जो लाइन है मतलब वो वैसी अनसर्टनिटी से भरी पड़ी है। बहुत सारे लोग बेचारों के जिनके प्रोजेक्ट अच्छे भले चलते चलते अचानक कोविड के दौरान बंद हो गए, उनके बेचारों को पैसा नहीं मिल रहा, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, तो ये सारा जो स्ट्रेस लेवल है ये बहुत बढ़ा है बहुत सारे। कुछ लोगों का दिख गया, कुछ लोगों का नहीं दिखा, वो स्वस्थ रहे लेकिन किस तरीके से निकला, हो सकता है शायद वो किसी मानसिक समस्या से जूझ रहा हो जो वो हमसे शेयर ना करना कर पा रहा हो, तक कुछ होगी ऐसी चीज़, कई बार होता है आदमी में पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, नहीं ऐसा नहीं, बोल देना चाहिए, बोल देना चाहिए, क्या कर लेगा कोई यार, यही विचार हो सकता है ये उसके साथ। काफी दुखद घटना है, एक ऐसी घटना, काफी शौक है हम सभी लोग, आप क्या कहना चाहते हैं? हमसे ज़्यादा किसको सदमा पहुँचेगा, हमारे तो गेम खेलती है और हमारे साथ लौटना बैठना खाना पीना, मतलब महीने में 20-22 दिन एक साथ रहना, तब इतना घर वालों के साथ खाना नहीं खाया, किसी के साथ साथ अपने साथ बेहतरीन शख्स है, यकीन नहीं हो रहा जल्दी हमें छोड़ के चलेगा, कहना चाहोगे कि हाल ही में उन्होंने एक वीडियो भी डाला था सोशल मीडिया पे, आप
उनकी कब लास्ट टाइम बातचीत हुई है? फिर पहली शूट था हमारा आज 1 बजे का कॉल था, आज 1 बजे मिलने वाले थे, शूट पहला सीन था सबका, कल भी रील भी बनाई थी, मस्ती करी थी, बहुत अच्छे अच्छे सीन होते थे आज के टाइम में, और लोग बहुत पसंद है, यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी जल्दी वो हमारे बीच से चले गए, कैसे यकीन करो, मेरा अभी तक यकीन नहीं हो रहा, समझ नहीं आया, जैसे पता चला पहले भक्ति के नाम क्या है, मेरा सब्र दे उनके परिवार वालों को, बच्चे को देखना, दिल रोना आ गया कि 18 महीने का बच्चा है, कैसे संभाले कि क्या हो, इतनी मेहनत मुशक्कत के बाद आज उन्होंने ये पोजीशन बनाई थी, और अब ज़रा देखने का वक्त था, हरियाली देखने का, खुशियाँ देखने का, वो चले क्या कुछ हुआ अर्ली मॉर्निंग? और जैसा फ़ोन आया और वो जो साथ में सोसाइटी में खेल रहे थे, उन्होंने बताया कि एक ओवर किया, उसके बाद कैप उठाने के लिए बड़े जमीन से खड़े हुए तो बॉडी कोलैप्स कर गई, गिरते जरूर, फिर भक्ति विधान लेकर भाभी साहब वहाँ पर डॉक्टर ने कहा तो 4-5 मिनट में अजीब सी नीचे 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 नी
शॉक है इंडस्ट्री में, आप क्या क्या कहना चाहोगे? और 2007 से अब तक उसमें काम किया है। हम लोग काम इतना करते हैं कि हम लोग आपस में एक फैमिली होगा सेम है। What happened exactly today early morning? You see, it's difficult to say. वो cricket खेल रहा था और उसके बाद उसने I think एक over डाला और फिर वो बगैर से तो ये यही हुआ है। It's very unpredictable. Yesterday night he uploaded a reel and now today sir after 24 hours it's very sad to see sir. Very sad for his wife, it is very sad for the whole family. And he had an irreversible loss. Yes. Deepesh Bhan said that he was a man. Our set ki jaan aur sab ka chahiye tha. Us vichar se aapne bhi kuch hota. Thank you. काफ़ी दुखद दर्शा है, काफ़ी बहुत दिन सैड है। मैं पर्सनली काफ़ी सैड हूँ। आप क्या कहना चाहिए? मतलब एक्चुअली मुझे भी कुछ सुबह 10 बजे पता लगा था और मैं बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ है। और हमने जब पता लगा मैसेज है उसमें लिखा था दीपेश मलकान पास है, तो मुझे लगा ठीक है मलकान का कोई नीम है जो अभी पूरा आने वाला बाकी है, तो मैंने वेट करता था उसका कुछ नहीं आया। तो पूरा पढ़ा मैंने तो आई एम टोटली शॉक। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन किया हमारे क्रिएटिव हैं विजय भाई, मैंने फ़ोन किया कहा हाँ ऐसा सच है। तो आधे घंटे तक मतलब मुझे विश्वास नहीं, मेरे हाथ पे नम हो गए। हम चाय पीने वाले थे, हम सब छोड़ दिया, मैं भी अपने घर पे जाने के साथ। उसके बाद हम आए सब यहाँ पे, तो मोस्टली 11 बजे पहुँच गए थे वहाँ से। फिर फाइनली सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है। बट लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा कि इतना फिट एकदम जिम करने वाला, योगा करने वाला, क्रिकेट खेलते हुए जो उनके साथ हुआ है, तो विश्वास नहीं हो रहा कि पता नहीं यार कब किसके साथ क्या हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि उनका बच्चा अभी सिर्फ बस 18 महीने का और शादी को भी 3 साल ही हुई है। तो बहुत शॉकिंग है। देखो हम लोग का क्या, हम लोग तो 10 दिन 4 दिन 15 दिन महीने में हम लोग तो भूल जाएंगे, बैक टू वर्क हो जाएंगे, सब अपने अपने जॉब पर वापस चले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात उनकी वाइफ उनके बच्चे के लिए जो उनको पूरी ज़िंदगी भर सफ़र करना है, कैसे क्या है क्या चीज़ें हैं या नहीं है। तो मुझे बहुत दुख है, भगवान करे ऐसा किसी के साथ। आपकी कुछ बातचीत हुई इनकी वाइफ से? आपने पूछा क्या हुआ? नहीं कुछ, एक्चुअली वो बिल्कुल एकदम शॉक है, वो एकदम मतलब उनके आंसू सूख चुके हैं, वो बात करने लायक ही नहीं। वो बिल्कुल एकदम ऐसे ही बैठे एकदम फ्रिज की तरह, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, क्या बोलेंगे। इतना बड़ा हो गया उनसे बच्चे को देख देख कर, बच्चा रो रहा है, उसको देख देख के हमें आंसू आ रहे हैं। इतना छोटा सा बच्चा जिसको कुछ पता भी नहीं, और उनकी जो सांस है बेचारी वो हो ही जा रही है, तो उनको संभाल ही रहे हैं। हमने बोला क्या आप हमें पढ़ी है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना रहा, आप उन्हें संभालेंगी तो आपको संभालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी बेटी है और वो बच्चा है, तो आपको संभालना है। तो वो ये बेचारे सब अपने अपने घर चले गए हैं। मुझे तो बड़ा दुख इस बात का है कि वो अपने घर जाएंगे वापस, एक घर बिल्कुल खाली, कैसे मतलब कैसे 2 BHK 3 BHK जो भी उनका घर है कैसे सर्वाइव करेंगे। हम तो सब चले जाएंगे अपने अपने घर, बिल्कुल खाली एकदम से सन्नाटा, सुबह 10 बजे से जो भी टाइम हो रहा है सब मतलब से चले गए हैं। तो धन्यवाद, प्लीज़ ध्यान रखिए सब अपना, और कुछ भी आपको लग रहा है कुछ भी चीज़ें हैं तो प्लीज़ चेकअप कराइए और पूरा पूरा ध्यान रखिए। मैं भी कुछ ऐसा लगता है मैं प्रॉपर चेकअप कराता हूँ, और मुझे तो वैसा है मैं भी एक बार थोड़ा सा चेकअप कराऊँ कुछ भी चीज़ें। भगवान को ऐसा सब अच्छा होगा, कुछ बोला और सब अच्छा काम चल रहा है, सब खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं यहाँ पे अरे नहीं
शॉपिंग न्यूज़ है क्या करना चाहिए? मैं बस ये कहूँगी कि मैंने मेरा बेस्ट फ्रेंड खो दिया. मेरे मैक्सिमम सीन्स उनके साथ होते थे एंड आई डोंट हैव वर्ड्स, मतलब मैं बोल भी नहीं पाऊँगी. ऐसा लग रहा है ये एक सीन चल रहा था जिसे हमारे डायरेक्टर बोलते कट और ये बीच में रुक जाए. इट वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट पर्सन, वेरी प्योर सोल एंड ही बी मिस फॉर एवर. कुछ उनकी यादें मैं अभी नहीं बोलूँगी. Thank you.